हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नवहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दुर्गा मेंस का प्रैक्टिस सेट। देखिए, आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है। अगर आप लोग 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 को देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 6। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 अप्रैल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि 8 मार्च, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, इसमें हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 15 मार्च का क्या हो जाएगा, 15 मार्च का हो जाएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हो जाएगा। और 20 जून को क्या हो जाएगा, 20 जून को हो जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 26 अप्रैल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे ऊंच प्रकार ऊंच क्रम पर कौन सा पद है, सबसे ऊंच क्रम पर कौन सा पद हो जाएगा। देखिए, इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए, इसमें हो जाएगा सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कब शामिल हुए थे। देखिए, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा प्रथम बार एक भारतीय गवर्नर जनरल जो कि कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाए गए थे, उस समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अगला है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इसमें हो जाएगा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन, वर्णी लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले चार राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मणिपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रधूसर मृण्भांड काल के रूप में जाना जाता है। देखिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल, कौन सा हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, तो इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में हो जाएगा, 165, वही महानवादी बोलेगा तो केवल 76 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुआ था। देखिए, 8 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1880 में हो जाएगा, सॉरी 1680 में हो गया था, और 64 और 70 में शिवाजी ने लूटे थे सूरत को 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य साधन नहीं है, यह सिद्धांत है, किसका सिद्धांत हो जाएगा, यह सिद्धांत देखिए हो जाएगा उदारवाद का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए किसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया है, डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, इसमें हो जाएगा एनोडीकरण। नेक्स्ट है कि बारी दुआब डैश के बीच, मैंने किसके बीच है, बारी दुआब, देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, बारी दुआब हो जाएगा ब्यास और रावी के बीच में, बारी और कौन हो जाएगा, बारी दुआब ब्यास और रावी के बीच हो जाएगा। दुआब क्या होता है, दो नदी घाटियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दुआब कहते हैं, दो नदियों के बीच की जो भूमि होता है उसी को दुआब कहते हैं। दुआब क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, समानता का, देखिए इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 से 18 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 14 से 18 में क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा हो जाएगा, 19 से 22 हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर बोलेगा 23 से 24 तक क्या हो जाएगा, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। और 25 से 28 क्या हो जाएगा, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया। देखिए, 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा,
इक्कीसवा, कौन सा हो जाएगा इक्कीसवा, कब हुआ था सॉरी इकसठवा लिखा गया, इकसठवा संविधान सभा कब हुआ था 1989 में हुआ था, 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बहुदेशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, नर्मदा नदी पर किया गया है, देखिए सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, नर्मदा नदी पर किया गया है, कहाँ पर हो जाएगा सरदार सरोवर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, इसमें देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत है, देखिए कितने सूची है तीन, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, एक और होता है अवशिष्ट सूची, जो नए नए आविष्कार और खोज होता है तो किस में जाता है अवशिष्ट सूची में। देखिए 16 में कह रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, इसमें देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1839 से 1842 हो जाएगा, 1839 से 1842 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के विषय में निम्न में से कौन सी युक्ति गलत है, देखिए 17 का राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, सिर्फ हरे पौधे हरे पादप ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, नहीं यही युक्ति क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम, इसमें देखिए लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे, लोकसभा पूछ रहा है, देखिए 18 का इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम ए आयंगर, कौन हो जाएंगे एम ए आयंगर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केला का पीएच मान क्या होता है, केला का पीएच मान क्या होता है, देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5.2। वहीं बात कर लेते हैं मूत्र का तो 6 हो जाएगा, कितना 6, और शुद्ध जल क्या हो जाएगा 7, और 8.4 क्या हो जाएगा समुद्री नमक या जल का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूंजी लाभ कर निम्न में से किस पर लगाया जाता है, पूंजी लाभ कर, देखिए परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर हो जाएगा। अगला है कि अकबर के नवरत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था, देखिए 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, फैजी, किसको हो जाएगा फैजी। धान की खेती के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति निम्न में से कौन है, देखिए इसमें राइट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा औसत तापमान 20 डिग्री, और वार्षिक तापमान कितना हो जाएगा 80 सेमी, वार्षिक वर्षा पूछ रहा है, वर्षा कितना हो जाएगा 80 सेमी। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, दक्षिण भारत के पूछ रहा है तो इसमें केम्बटूर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा केम्बटूर। और कानपुर को क्या कहते हैं, कानपुर को शहर का उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और दक्षिण भारत का क्या हो जाएगा केम्बटूर हो जाएगा। और देखिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। यूरोपीय बैंक प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निगम कौन था तो इसमें हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना कब हुआ 1770 इसमें किया था, भारत का पहला बैंक अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा किया गया 1770 में, कहाँ पे कोलकाता में, इसका नाम पड़ा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पूर्णतः भारतीय बैंक बोलेगा तो लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था कब 1894 में, PNB की स्थापना, पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, निर्वाचन बोल रहा है, देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54, कौन सा हो जाएगा 54। अब वहीं 53 की बात कर लेते हैं, 53 में क्या हो जाएगा तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही हो जाएगा, किसमें कार्यपालिका शक्ति 53 में। और 55 में क्या हो जाएगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है 55 में। अब 52 में क्या हो जाएगा राष्ट्रपति एक होगा। अगला अनुच्छेद कह रहा है कि सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया गया है, इसमें हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया, देखिए 19वीं शताब्दी में लागू किया गया, ठीक ना, किसने लागू किया तो टॉमस मुनरो ने लागू किया था। अगला है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय मैदान में हो जाएगा। महानदी डेल्टा कहाँ पर हो जाएगा, महानदी ये देखिए उड़ीसा में हो जाएगा। कृष्णा डेल्टा कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कावेरी डेल्टा अभी बताए हैं, देखिए कावेरी डेल्टा हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, देखिए तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगदुंग हिमनद से हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निर्धारता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, देखिए इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संबंधित सदन के अध्यक्ष एवं सभापति के पास हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ऐसी धातु जिनका घनत्व सामान्य धातुओं से काफ़ी कम होता है, ऐसी धातु जिनका घनत्व सामान्य धातुओं से काफ़ी क्या होता है, कम होता है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला है कि निम्न में से कौन सी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा डोडा बेटा। कितना हो जाएगा? डोडा बेटा की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2637 मीटर हो जाएगा। कितना है? 2637। अब वही अनाई मुंडी के पूछे गए तो 2695 हो जाएगा, 2695 हो जाएगा अनाई मुंडी का। 33 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कह रहा है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, कितना इसका ऊंचाई? 2637 हो जाएगा, अनाई मुंडी के 2695 ऊंचाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र पूर्ण बने भारत के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के अब्दुल रब नस्तार को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? देखिए 32 राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, संचार विभाग का। कौन हो जाएगा? संचार। नेक्स्ट है कि कार्बन C6 14 के अणु के परमाणु में उपस्थित मौलिक अणुओं की संख्या के संबंध में सही विकल्प की पहचान करें। देखिए 33 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा। 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भुक्ति, देखिए भुक्ति भोग विषय भी थी और मंडल डैश थे, ये कहाँ के थे? तो इसमें देखिए हो जाएगा 34 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन। गुप्त काल में क्या था? प्रशासनिक विभाजन था। अगला है कि 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? देखिए इसमें हो जाएगा बर्मा, यानी रंगून में भेज दिया गया। कब? 1857 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए 36 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा, मछली में दोहरा परिसंचरण होता है, यही सही नहीं है। क्या है? यही सही नहीं है, मत्स्य वर्ग में एकहरा परिसंचरण होता है। नेक्स्ट है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी हरा लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है, यदि ए क्रमशः FU FG और FR, तो निम्न में से कौन सा सही है? इसमें देखिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, FU हो जाएगा बड़ा FR के। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन की स्थापना किया? शांति निकेतन की स्थापना इसमें हो जाएगा 1901 में स्थापित किए। शांति निकेतन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन हो गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में कब परिवर्तन हो गया? 1921 में। विकर्णी संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? इसमें हो जाएगा द्वितीय तथा तीसरे अवर्त के तत्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टता की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसमें हो जाएगा क्या? उत्तल। दूरदृष्टि के लिए उत्तल, नजदीक के लिए क्या हो जाएगा? अवतल। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार नामक रोग का कारण है? कालाजोर नामक रोग का कारण हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा लिशमैनिया। कौन सा हो जाएगा? लिशमैनिया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्या? कैलेबराइट सिल्वर का अयस्क नहीं है, किसका है? सोना का अयस्क हो जाएगा। रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और पायराग्राइट, ये सब क्या हो जाएगा? तो सिल्वर का अयस्क हो जाएगा। कैलेबराइट किसका हो जाएगा? सोना का। नेक्स्ट है कि मैग्नेलियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है, इस मिश्र धातु के अवयव घटकों का सही विकल्प निम्न में से कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस संचरण का गठन करता है? इसमें देखिए हो जाएगा मेटाफेज। कौन सा हो जाएगा? मेटाफेज। देखिए समसूत्री विभाजन की चार अवस्था होती है, कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर की, देखिए कह रहा है कि 1200 वाट की विद्युत की केतली में 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल है, यदि केतली का जल तुल्यांक 500 ग्राम हो तो जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितने यूनिट विद्युत व्यय होगा? कितना हो जाएगा? देखिए 45 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.14 यूनिट हो जाएगा। अगला है कि क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित रहता है? देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, एकल संयोजी बंधन हो जाएगा।
अगला है कि और सारणी के समूह वन तथा सत्वा, पहला तथा सत्वा दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है? तो इसमें हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। कोणीय वेग का सही मात्रक निम्न में से कौन सा, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग हिल्स का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या होगा, ड्राइवर को अधिक बल लगाना पड़ जाएगा। जितनी बड़ा स्टीयरिंग होता है, ऐसे आप लोग देख सकते देखे होंगे, तो इसको घुमाने में जितनी छोटी होता है उतने ही बल लगेगा, तो जल्दी घूमेगा नहीं, जब घूमेगा नहीं तो ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूती देखिए, सूरती निम्न में से किस पशु की नस्ल है, सूरती किसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भैंस, जफराबादी सूरती सब मेहसाना किसका हो जाएगा, भैंस का। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, देखिए इसमें राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा, छोटे कारोबारियों को 50,000 से 5,00,000 तक ऋण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, कहाँ पर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अल्मोड़ा में, जेबी पंत वाला है कहाँ पे, अल्मोड़ा में हो जाएगा, अल्मोड़ा कहाँ है तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र में हो जाएगा तो आर्द्र, देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसमें हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट एक दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बनाए गए, देखिए 55 का राइट ऑप्शन कब हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसमें सभी मतलब कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, देखिए 1886 में बनाए गए थे, 1893 में और 1906 में भी बनाए गए थे। 1886 में बात कर लेते हैं तो कोलकाता अधिवेशन बनाए गए थे, और 1893 में लाहौर अधिवेशन बनाए गए थे, और 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ही बनाए गए थे इनको। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, देखिए 56 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी मणिपुर, कौन सा हो जाएगा, मणिपुर। अगला है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 57 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। 64 में कह रहा है ना कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और उस अवधि में राज्यसभा के सभापति का सदस्य वेतन ही हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि देखिए डेस्को कश्मीर से सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा पेम्पोर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा हो जाएगा, तो तृतीय क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। सल्तनत शासक यासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था, तो इसमें हो जाएगा क्या, देखिए 60 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1266 से 1287 तक हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसे 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई की और उसे और उसको अपनी किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया, किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी, इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है, इसमें कौन सा हो जाएगा, कर सुधार से संबंधित ये हो जाएगा राजा चौलैया समिति, राजा चौलैया से किससे हो जाएगा, कर सुधार से समिति हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं तो देखिए रंगराजन समिति किससे हो जाए, तो भुगतान संतुलन से, और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्मटन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पौन है, निम्न इससे संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें, देखिए 63 का इसमें क्या हो गया, हर्मटन क्या है, हर्मटन सहारा रेगिस्तान की क्या है, गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एक और दो, देखिए यहीं पर दिया गया है एक और दो, यहाँ पर दिया है ना कि सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन है, क्या है, गर्म और शुष्क पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए 64 नंबर कह रहा है कि आर्यों के
आर्यों के सोम देवता से संबंधित तथ्य सही तथ्य की पहचान करें। देखिए 64 का राइट ऑप्शन क्या हो इसमें, इसमें सोम वनस्पति के देवता थे, सही है, और सोम को समर्पित ऋचाएँ ऋग्वेद के 9वें मंडल में, यानी दोनों सही है, 3 और 4 इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात, देखिए सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। देखिए 65 का इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 2 घंटे, कौन सा हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें असत्य हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा यह एक मीठे पानी का झील है, नहीं, यह क्या हो जाएगा, खारे पानी का झील हो जाएगा। अगला है कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों में से एक है, भोटिया कहाँ के हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा उत्तराखंड के, उत्तराखंड के हो जाएगा, उत्तराखंड के कहाँ के, अल्मोड़ा चमोली पिथौरागढ़ में, ये सब क्षेत्र में रहता है। कुका कुका विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, कुका, तो इसमें कहाँ हुआ था, तो पंजाब क्षेत्र में हुआ था, कहाँ पे, पंजाब, कब हुआ, 1872 में हुआ था, इसके कुका विद्रोह के लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में, किसके समय में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर वर्मा भेज दिया गया, कब हो जाएगा, तो 1924 से 25 हो जाएगा। अगला है कि किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया गया, किसके द्वारा कहा गया है, कहा गया था, तो इसमें हो जाएगा आरसी मजूमदार, यह क्या करता था, मजा लेता था, आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, न ही सिपाही विद्रोह और न ही पहला राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, किसके द्वारा कहा गया, तो मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है, इसमें देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% यानी EWS को हो जाएगा 124वें संविधान संशोधन द्वारा 10% का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने, कौन सा हो जाएंगे, इसमें देखिए 72 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1892 में, कब हो जाएंगे, 1892 में। अगला है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा, किसे कहा था, तो इसमें हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, देखिए 74 राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नरसिम्हन समिति, कौन सा हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना तो इसमें हो जाएंगे आत्मारंग पांडुरंग, कब किए थे, 1867 ईस्वी में किए थे, कहाँ पे, तो बम्बई में, केशव चंद्र की प्रेरणा से किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में, तो क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो इसमें देखिए हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन से, कब हुआ था, तो 1951 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, कौन हो जाएगा, रीता फारिया, कौन जी, रीता फारिया। देखिए 77 का राइट ऑप्शन, प्रथम भारतीय कौन है पूछ रहा है, जीतने वाले महिला पूछ रहा है, तो इसमें देखिए क्या भारत में मिस यूनिवर्स पूछ रहा है, तो इसमें देखिए सुष्मिता सेन हो जाएगा, कौन सा, सुष्मिता सेन हो जाएंगे, विश्व सुंदरी पूछेगा तब जाकर रीता फारिया होगा। अगला है कि भारतीय संघ के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन का कार्यकाल क्या था, तो इसमें हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक हो जाएगा। अगला है कि अफ्रीकी देश नाम्बिया की राजधानी में से कौन सी, नाम्बिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा विंडहॉक। नेक्स्ट है सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच रेखा है, सीज फ्राइड, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 80 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच सीज फ्राइड हो जाएगा। और लुरंट रेखा कहाँ हो जाएगा, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। और 17वीं समानांतर कहाँ पे हो जाएगा, 17वीं हो जाएगा देखिए वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। और 30वीं बोलता है तो कहाँ हो जाएगा, तो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया। हिडनबर्ग रेखा कहाँ हो जाएगा, हिडनबर्ग तो यहाँ पर जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगा। 49वां कहाँ पर हो जाएगा, 49वां देखिए उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच हो जाएगा 49वां। देखिए यहाँ से अब मैथ का प्रश्न आ गया, आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो नवहाटा टेक टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं और आपका ये PDF आप ले सकते हैं वहाँ से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।